जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संतवाणी प्रेम भक्ति ज्ञान वैराग्य एवं सदाचार पर संतों के वचनों का संग्रह। पहला, सच्चिदानंद प्रभु के अनेक रूप हैं। जिस साधक ने हरि के जिस रूप को देखा है वह उनके उसी रूप को जानता है। यह सारे रूप उस एक ही बहरूपीय हरि के हैं। दूसरा, आँख मिचौनी के खेल में गोल छू लेने पर फिर चोर नहीं होना पड़ता। उसी प्रकार भगवान को छूने पर फिर सांसारिक बंधन नहीं बांधते। तीसरा, लोहा जब एक बार पारस को छूकर सोना हो जाता है तब चाहे उसे मिट्टी के भीतर रखो या कूड़े में फेंक दो, वह जहाँ रहेगा सोना ही रहेगा, लोहा नहीं होगा। इसी प्रकार जो भगवान को पा चुका है वह बस्ती में रहे चाहे जंगल में, उसको फिर दाग नहीं लग सकता। चौथा, ईश्वर को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य का आकार वही रहता है परंतु उसमें अशुभ कर्म नहीं होते। पांचवा, भगवान का दर्शन कर लेने पर मनुष्य फिर जगत के जंजाल में नहीं पड़ता। भगवान को छोड़कर एक क्षण भी उसे शांति नहीं मिलती। एक क्षण भी भगवान को छोड़ने में मृत्यु जैसा कष्ट होता है। छठा, ईश्वर के पास जाने के अनेकों उपाय हैं। सभी धर्म इसी के उपाय दिखला रहे हैं। सातवां, हे मनुष्यों, तुम संसार की वस्तुओं में भूले हुए हो। यह सब छोड़कर जब तुम भगवान के लिए रोओगे तब प्रभु उसी वक्त आकर तुम्हें गोद में उठा लेंगे। ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। इस सत्य को धारण करो कि भगवान न पराए हैं, न तुमसे दूर हैं और न दुर्लभ ही हैं। जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है उसने तुम्हारे भोजन का प्रबंध पहले से कर रखा है। जिसकी साधना करने की तीव्र उत्कंठा होती है भगवान उसके पास सद्गुरु भेज देते हैं। गुरु के लिए साधकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य देखने में कोई रूपवान, कोई कुरूप, कोई साधु और कोई असाधु दिख पड़ते हैं, परंतु उन सबके भीतर एक ही भगवान विराजते हैं। दुष्ट मनुष्य में भी भगवान का निवास है परंतु उसका संग करना उचित नहीं। साधन अवस्था में ऐसे मनुष्यों से जो उपासना से ठट्ठा करते हैं, धर्म तथा धार्मिकों की निंदा करते हैं, एकदम दूर रहना चाहिए। माया को पहचान लेने पर वह तुरंत भाग जाती है। दूध में मक्खन रहता है पर मथने से ही निकलता है। वैसे ही जो भगवान को जानना चाहे वह उसका साधन भजन करे। भगवान साकार निराकार और क्या क्या हैं यह हम लोग नहीं जानते। तुम्हें जो अच्छा लगे उसी में विश्वास कर भगवान को पुकारो, तुम उसी के द्वारा भगवान को पाओगे। मिस्री की डली चाहे जिस ओर से, चाहे जिस ढंग से तोड़कर खाओ, मीठी लगेगी ही। मन सफ़ेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबोगे वही रंग चढ़ जाएगा। व्याकुल प्राण से जो भगवान को पुकारते हैं उनको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। सच्चा शिष्य गुरु के किसी बाहरी काम पर लक्ष्य नहीं करता, वह तो केवल गुरु की आज्ञा को ही सिर नवाकर पालन करता है। संसार में रहकर सब काम करो पर ख्याल रखो कहीं भगवान के लक्ष्य से मन हट न जाए। जय श्री राधे। जय श्री राधे।